बंदी गलबात करता सीगा पर अज डेढ़ महीना हो गया मोर्चा चलते अज तो मूंह टुट जाए अज वह बंदा भी कोई गल करन तैयार नहीं है इस करके बचारा भी सह सुटना लखा बाई पाउणगे गुरु ग्रंथ साहब की बेअबती बंदी सिंह की रिहाई लिए मोर्चा चल रहा है उस मोर्चे के हाथ बन के बेनती करते हैं भी जिस तरह तुम किसानी अंदोलन वड्डा योगदान पाया उस तरह ही उस मोर्चे के योगदान पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गज बज के फतेह की सांझ पाईए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले 7 तरीक तो लैके बंदी सिंह की रिहाई का लग्या मोर्चा आज सोडे पिंडा च आए हैं ये अपील कर रहे होका देन कि साड़ी कौम दे योधे जेड़े किसे निजले ही नहीं किसे घरेलू झगड़े करके नहीं इस कौम दे वजूद नूं जोड़ा रखण दे लई पिछले 30-30, 35-35, 40-40 साल तो बंद है कह देना सौखा होंदा 30-40 साल का अरसा बंदे नूं 10 दिन घरों बाहर रहना पे बंदा उधर जांदा है कि छेती अपने परिवार अपने जवाकों जावा अपने पिंड जावा 7x7 का सैल होंदा जिहड़ी काल कोठड़ी है ना सीधा पिया जाता सीधा खड़िया जाता है पिछले 35-35, 40-40 साल तो बंद है चढ़ते लेंदे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो सुनिया नहीं होना किसी मुल्क का कोई ऐसा कानून नहीं होना के बिना कोई केस चलाए बिना दोष तय होए किसी बंदे नूं अंदर बंद कर दिता जाए। जग्गी जौल इंग्लैंड तो ब्याह करवाउण आया इत्थे पौने 6 साल हो गए तिहाड़ जेल च बंद है उहदा केस ही नहीं चलाया गया ट्रायल ही नहीं चलाया गया ऐतू वड्डा धक्का जाति जुल्म की हो सकता साडे नाल असीं अपनियां जमीनां बचाउण अपनी रोजी रोटी बचाउण उह दिल्ली जाके बह गए साल भर बैठे जाना गवाइया सरमाया लाया जित के वापस परते पर अज का यार सानू वो योध्या खातर खड़न की लोड़ है देखे इतिहास के विच कलंकना खट लिए मथिया ते इतिहास ने लिखना कि जो बंदी सिंह की रिहाई का मोर्चा लग्या सी उहदी कौम ने उहदे लोगों ने साथ नहीं दिता घर च बैठे ने यह साडा अखलाकी फर्ज बनता है कि असी अपने योध्यां नूं बाहर लियाउण दी खातर चंडीगढ़ पहुंच गए पहला जाओ चाहे मगरों जाओ हाजरी लवा के आयो इस मुल्क का दस्तूर इस मुल्क के कानून वखरों वखरे है बहु गिनती लई हो रहा घट गिनती लई हो रहा है बहु गिनती के बंदे इत्थे राजीव गांधी के कातल बाहर आ जाते हैं बहु गिनती के बंदे इत्थे बिलकिस बानो के बलात्कारी उहदे परिवार के कातल बाहर आ जाते हैं रिहाइयां ते मठियाइयां वंडियां जांदियां भंगड़े पाए जाते हैं पर घट गिणती दे सजावां पूरियां होण दे बावजूद भी अंदर बंद है। भाई बलकार मैनूं हुणी दसदा सी कि इन्हां ने गीत लिखिया बंदी सिंघां दी रिहाई ते मैं जरूर भाई नूं गुजारिश करूंगा कि उहदे दो शब्द बीबा मनजिंदर गुलशन जी तों जरूर मैं कहिंदा सुनाउण तुहाडे नाल रूप होण इहदू बाद जिहड़ा मैनूं लगदा जिहड़ा शुरू करना प्रोग्राम ते इह पहलां उस गीत तों शुरू करन बस उन्हों ही अपील करना आया बहुत चलते फिरते हैं तड़फ है दर्दा दिलों के अपन अखा के सामने अपना पंजाब अपनी कौम मरती नहीं देख सकते इस करके पिंड पिंड फिरते हैं हर जिले जाने हर पिंड जाने कि साड़ी होंद साड़ी हस्ती ते बहुत बड़ा हमला है साड़ी नसलकुशी की जा रही है एक उदाहरण दूंगा समझ लो वो दौर होर सी जिहड़े दौर दे विच किसे कौम नूं दूजी कौम मारदी सी उहदा कतलेआम करदी सी गोलियां नाल मारिया जांदा सी जेलां सट्टिया जांदा सी हिटलर दा जमाना आया गैस चैंबरां च पा के उहनें मारता अपने विरोधियां नूं हुण जमाना बदल गया दौर बदल गया नसलकुशी उवीं हो रही है एक सभ्यता दूजी सभ्यता नूं खत्म कर रही है एक कौम दूजियां कौमां नूं दब रही है खत्म कर रही है ढंग तरीके बदल गए उदाहरण दिंदा नेपोलियन इक राजा होया उन्हें किसे मुल्क नूं फतेह करना सी सारे सलाहकार इकट्ठे कर ले पुछिया किन्नी फौज चाहिए किन्ना सलाह चाहिए किसे ने कोई सलाह किसे ने कोई सलाह दित्ती तां नेपोलियन एको गल कही सी कि असी कोई जंग नहीं करनी कोई कतलेआम नहीं करना कोई फौज नहीं चाढ़नी अपने बंदे उस मुल्क च भेज दिओ
ਕੱਲਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਮਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਹਮਲੇ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੁੱਝੇ ਹਮਲੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੂਕਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉੱਠੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਜਾਗੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਹ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਉਹ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਜਾਏ ਲੋਕ, ਦੁਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੰਮਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਮਾਨ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਰੀ, ਹੋਰ ਬਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਰ, ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਜਾਈਏ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਦੋ ਬੋਲ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਬੇਟਾ, ਦੂਜਾ ਰੱਖੇ। ਆਪ ਕਰੋ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਪੈਰ ਰਿਹਾਈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁੱਕ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਫੇਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹਕੂਮ ਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ, ਅਣਖ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਲੱਖੇ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੇਰ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹੋਕਾ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੇ, ਬੋਲੋ ਸੋ ਰਿਹਾ।